दोस्तों मालती चौहान को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि मालती चौहान के साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और मालती चौहान की केस में अगर राधिका का कोई हाथ नहीं है, अर्जुन वर्मा का कोई हाथ नहीं है, या राहुल चौरसिया ये सब चीज़ों के मैटर में शामिल नहीं है, तो ये सब छुप छुपा के भागे क्यों हैं? पुलिस के सामने आके अपनी औकात, अपनी सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं कि पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, किसका किसका क्या संबंध है, क्यों इन सब के नाम को लिया जा रहा है? राधिका, बताया जा रहा है कि राधिका जो है विष्णु चौहान की प्रेमिका थी, विष्णु चौहान का प्रेम प्रसंग राधिका नाम की लड़की से चल रही थी। और राधिका जो है अगर निर्दोष है, राधिका को मालती चौहान की हत्या में कोई हाथ नहीं है, तो राधिका जो है मालती चौहान के साथ काफ़ी टाइम तक साथ में रही है। तो राधिका अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है, अपना चैनल का नाम चेंज करके वो रखी है अंजलि राज, कुछ ऐसा ही नाम रखी है अपने चैनल का, अंजलि राज नाम रखी है। तो ये बात बताइए कि वो अपना चैनल का नाम क्यों चेंज किया कर दिया? अगर वो निर्दोष है तो कैमरे के सामने आए, कैमरे के सामने आके अपनी सारी सच्चाई बताए कि मैं निर्दोष हूँ। और मालती चौहान के अभी 13वीं भी ख़त्म नहीं हुई है, और जो राधिका है उसके चैनल पे मैंने जाके देखा तो खूब नाच रही है, खुशी मना रही है। मतलब ये कम से कम मालती चौहान के साथ ये बंदी राधिका जो है कुछ काफ़ी टाइम तक साथ में काम किया है, प्लस मालती चौहान के घर पे मालती चौहान अपनी बहन बना के रखती थी, और मालती चौहान ने बहन बना के रखा, यही शायद मालती चौहान के लिए मुसीबत बनी। अगर मालती चौहान के घर पे ये लड़की नहीं आती राधिका, तो शायद मालती चौहान हम सब के बीच होती। इसी लड़की की वजह से मालती चौहान अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्योंकि मालती चौहान अपने पति को किसी के साथ बांटते नहीं देख सकती। रही बात, हमें इसमें कुछ कमेंट करेंगे, क्योंकि मालती चौहान तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कुछ ऐसे चरित्रहीन मर्द हैं, मर्द भी चरित्रहीन होते हैं, कुछ ऐसे चरित्रहीन मर्द हैं जो अपने चरित्र में नहीं देखते हैं कि मैं कैसा हूँ, और मरी हुई औरत को भी चरित्र का कचरा बना रहे हैं। तो अगर राहुल चौरसिया, अर्जुन वर्मा, राधिका ये सब निर्दोष है, तो एक वीडियो बना के अपना निर्दोषता साबित करे, मीडिया के सामने आके अपनी सच्चाई बताए, पुलिस के सामने आके अपनी गवाही दे, अपनी सच्चाई बताए कि मैं निर्दोष हूँ, मालती चौहान से मेरा कोई क्या है, नहीं है, क्या गड़बड़ी है, नहीं हुई है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सारी चीज़ें बताए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। अगर जो लोग निर्दोष होंगे मालती चौहान की हत्या में, उन सबका हाथ नहीं है, उनका नाम आ रहा है, तो चुप क्यों है? निर्दोष है तो उनको भी एक वीडियो बना के, सेपरेट वीडियो बना के अपनी सेफ्टी के लिए बोलना तो चाहिए ना कि मैं निर्दोष हूँ तो मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।